14 साल बाद पाकिस्तान से भारत लौटी हिंदुस्तान की बेटी गीता से शादी करने के लिए खंडवा से भी एक मूक बधिर युवक ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को अपना प्रस्ताव भेजा है। खंडवा के रुस्तमपुर गांव में रहने वाला अशोक विश्वकर्मा एक किसान है। वो पांचवी पास है और उसके पास पर्याप्त जमीन भी है। अशोक विश्वकर्मा का मानना है कि वो गीता से शादी करके उसे खुश रखेगा। एक मूक बधिर संस्था के जरिए उसने ये प्रस्ताव विदेश मंत्रालय को भेजा है। 24 साल की गीता की शादी की जिम्मेदारी खुद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ली है। गीता से शादी करने के लिए अब तक 30 लड़कों ने अपना प्रस्ताव भेजा है। मूक बधिर अशोक के परिवार को जब ये पता चला कि पाकिस्तान से लौटी गीता की शादी के लिए वर ढूंढा जा रहा है तो ये भी गीता से शादी करने के लिए अपना प्रस्ताव भेज चुका है। इनका भाई जो है मेरे से संपर्क किया और मैंने क्योंकि मैं इनकी भाषा समझता हूँ तो मेरे पास ही आए और जब मैंने गीता का फोटो दिखाया और जो है कि गीता के बारे में साइन लैंग्वेज के माध्यम से जब इनसे मैंने बात किया तो ये बहुत खुशी जाहिर किए और बोले कि गीता से मैं शादी करूँगा और शादी करके उसको मैं अपने घर लाऊंगा। अलग अलग प्रकार की उन्होंने इच्छा जाहिर की है और इनका प्रस्ताव जो है सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री को भेजा गया है। पता चला कि ये शादी करने की इच्छुक है तो हम भी हमारे भाई को लेके आए यहाँ पर और हमने भी एक प्रस्ताव रखा हमने भेजा है और हम मतलब हमारे घर में गीता जी मतलब हमारी भाभी बन के आए वो अच्छा रहे और हमारे मतलब परिवार में भाई का भी काम मतलब सही चलते रहे और उनकी शादी उनके बाल बच्चे और परिवार बच जाए वही बहुत अच्छा। और आमतौर